हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए जी एक्स ऑफिशियल। तो यार आज संडे है और बाहर काफ़ी ठंड है, पर फिर भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि नाइट राइड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने काम वाम से थोड़ा फ्री हो गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ द्वारका सेक्टर 1 के स्पेसिफिक मॉल, और यार अभी थोड़ा फ्री हो गए थे तो थोड़ा घूम के आते हैं और थोड़ा व्लॉग करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे एक सरप्राइज कंटेंट है जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो अभी उसका वेट मेरे को भी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। तो चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं और उस कंटेंट को देखते हैं। तो गाइज रेडी विद गियर्स। तो ये रहा अपना जोगा हेलमेट, ये अपना फ़ोन माउंट, और ये अपनी टारमैक के ग्लव्स। इसका रिव्यू देखना है तो आप चैनल पे देख सकते हो, पहले एक वीडियो इसकी रिव्यू अपडेटेड है। एंड ये रहे अपने राइडिंग शूज़। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपनी बाइक पे, और 20 मिनट यहाँ से दिखा रहा है तो जल्दी से पहुँचते हैं। तो यार सबसे पहले तो ये आवाज़ सुनो, आवाज़ कैसी है, ये आवाज़ बताओ। यहाँ से लेफ्ट है गोल चक्कर से। यार अपनी बाइक में लगा आरलाइन रेसिंग का जोश, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूदिंग आवाज़ देता है। मतलब इसका लगा के लगता नहीं है कि आवाज़ फट रही है, क्योंकि KTM की आवाज़ बहुत फटती है। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जॉस्ट लगाने के बाद लोग ऐसी प्रोजेक्ट लगा देते हैं, एक रफल लगा देते हैं, लेकिन इससे आवाज़ काफ़ी बढ़िया आती है। देखो आवाज़ सुनो कितनी स्मूथ, मतलब कितनी बेसी साउंड इसकी आ रही है, और इसके रिएक्शन बहुत बढ़िया आते हैं। वैसे गाइस कमेंट करके बताना कि इनकी लुक्स कैसी आ रही है ग्लव्स की, फिर इसका मैं एक प्रॉपर रिव्यू लेकर आऊंगा कि कैसे ये है। अच्छा यार एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा अपने KTM वाले भाइयों से। अभी कुछ दिन पहले मैं सर्विस कराने गया था KTM की, तो वहाँ सर्विस सेंटर में मैंने उनको बोला कि यार मेरे ब्रेक चेक कर लो फ्रंट वाले कि डिस्क पैड घिस तो नहीं गए, क्योंकि मेरी बाइक 8,000 चल चुकी है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि यार ब्रेक पैड घिस चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि अभी चेंज करा देता हूँ, पर मैंने उनसे पूछा कितने चल जाएंगे अभी, तो उन्होंने कहा कि अभी 500,000 किलोमीटर चल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ब्रेक पैड अपने अपग्रेड कर लूँ, मैंने वैसरा कंपनी के लगवाए। तो सबसे ट्विस्ट की बात यह है कि जब मैंने इसके ये फ्रंट वाले ब्रेक्स निकलवाए, जो कि उन्होंने कहा था कि घिस चुके 500,000 किलोमीटर और चलेंगे, भाई जब मैंने वो निकलवाया तो 50% बचे हुए थे, मतलब आधे ब्रेक आपके डिस्क पैड बचे हुए हैं। लेकिन वो KTM वाले अपनी सेल करने के लिए उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि तुम्हारे डिस्क पैड घिस चुके हैं। अब वो मैंने रखे हुए हैं उठा के, अभी मैंने फिर भी वैसे रख के लगवा लिए। पर यार ये चीज़ गलत है, कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तुम गलत इन्फॉर्मेशन तो मत दो कि बाइक में क्या है क्या नहीं है, अपने पैसे अपनी सेल करने के लिए तुम दूसरे की जेब ढीली मत करो। चलो यार मेरे भाई इधर पे बहुत जम चुकी है और मुझे विजिबिलिटी नहीं आ रही मेरे को। अच्छा रे तो मतलब लोगों को क्वेश्चन रहता है कि हमें अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि जब मैं खुद लगवाने वाला था तो मेरे मन में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये था कि इससे इंजन पर डैमेज तो नहीं आएगा। तो यार उन लोगों को बता दूं मैं कि यार इंजन पे डैमेज ऐसे नहीं पता लगता, लॉन्ग टर्म में जो होता है ना एग्जॉस्ट, वो इंजन को इफ़ेक्ट करता है, और वो इफ़ेक्ट बहुत स्लोली करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, अगर आपकी बाइक 50,000 किलोमीटर चलनी होगी तो वो 35,000 किलोमीटर ही चलेगी, क्योंकि जो एग्जॉस्ट होता है वो इंजन की लाइफ को कम करता है। वैसे इंजन पर आपका इफेक्ट अगर नहीं भी आएगा तो आपको लगेगा कि इंजन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, एग्जॉस्ट लग रहा है चलने दो, पर यार जो लॉन्ग टर्म में ना वो इंजन की जो लाइफ को इफेक्ट करेगा वो। और यार एग्जॉस्ट में भी एक तो सिलिकॉन होता है और एक कूल सिस्टम होता है। यार सिलिकॉन तो फिर भी इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो खाली मफलर को निकल के लगता है, पर एक कूल सिस्टम का जो पूरा बैंड पाइप आपका शुरू से लगता है ना हेड पाइप से, तो वो पूरा फ्री फ्लो हो जाता है, तो उससे बैक प्रेशर मेंटेन नहीं होता बाइक का, जिससे डस्ट पार्टिकल भी अंदर जाते काफ़ी इंजन में, और इससे इंजन की लाइफ इससे कम होती है। तो यार ये र्यूमर्स भी है बहुत सारे कि कुछ नहीं होता, कोई भी अगर आप जाओगे ना किसी दुकान पर उससे पूछोगे आपके भैया इससे कोई डैमेज तो नहीं होता, तो यार उसको तो अपना सामान बेचना है, वो क्यों बोलेगा कि इससे इंजन डैमेज होता है। पर जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि हाँ इंजन का इफेक्ट करती है। ये अपना फैक्ट्री के साथ ही साथ आएगा बस बाइक।
सही रोड है यार ये। भाई ये रहा अपना पैसिफिक मॉल और बाहर से काफ़ी सुंदर लग रहा है नाइट में भी, ये लाइटिंग अच्छी कर रखी है। चलो अंदर चलते जल्दी से, ठंड काफ़ी हो रखी है और मैंने जैकेट भी बंद नहीं कर रखी थी, मैं बाइक पैसे आ गए जल्दी एक्साइटमेंट में, तो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। और भूख भी लग रही है, कुछ खाते भी अभी और देखते हैं क्या है अंदर क्या नहीं है। तो यार देखो कितना मस्त डेकोरेट कर रखा है, ये पूरा विंटर थीम पे बना रखा है, क्रिसमस थीम पे, और काफ़ी सही है यार डेकोरेशन इसकी, बढ़िया लग रही है। बच्चों बच्चों के लिए सही है फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। ये यार पैसिफिक मॉल है दोबारा सेक्टर 21 में। एक सेकंड शायद कुछ दिख रहा है दूर से, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। यार एरीज, पहले आप गैस करोगे कौन सी बाइक है, मुझे कमेंट में बताना गैस करके कि ये कौन सी बाइक है। यार ये अपने सामने खड़ी है सोनटेस की दो बाइक है और एक वो कीवे की, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी सबसे जो आई कैची बाइक जो लग रही है ना वो ये है जोनटेस एडवेंचर, और ये देखो ये लिखा हुआ है इसकी ब्रांडिंग जोनटेस ADV। ये फुली एडवेंचर बाइक है और ये फुली कीलेस बाइक भी है, पर यार इसकी कितनी बल्की लग रही है, मतलब BMW जैसी ये लग रही है जो अपनी उसकी एडवेंचर आती है 1250। यार काफ़ी ह्यूज लग रही है ये तो, और ये अपनी खड़ी है जी के, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं अभी। यार ये है जोनटेस 350T एडवेंचर, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, 348 cc, 38 PS ऑफ पावर, 32 Nm का टॉर्क, 6-speed गेयरबॉक्स है इसमें, व्हील बेस येरा, बाकी फ्रंट सस्पेंशन इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक है, रियर मोनोशॉक है, फ्रंट डिस्क यार काफ़ी सही है इसकी, तो स्पेक्स बहुत बढ़िया है। अच्छा रियर टायर 160 है, वही सोचो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो भाई जो भी अपने भाई ये बाइक देखना चाहते हैं या एक बार मतलब फर्स्ट लुक इसकी देखना चाहते हैं कि एडवेंचर अपनी कैसी लगती है जोनटेस एडवेंचर, तो ये पैसिफिक मॉल द्वारका सेक्टर 21 में ये पब्लिश्ड है अभी, तो एक बार भाई से बात कर लेते हैं। भाई ये एडवेंचर का कितना है, मतलब एक शोरूम क्या पड़ेगा दिल्ली में? सर इसका ऑन रोड ही मैं बता देता हूँ। अच्छा इसका 455,000 पड़ेगा दिल्ली में। तो यार ये ऑन रोड दिल्ली में पड़ती है 455,000 की। एंड आप मतलब यार मॉल में कब तक हो पैसिफिक मॉल में? अभी सर मेरा 1 month का रहेगा। अच्छा मेरे को 2 days। अच्छा तो अभी 1 month तक ही यहीं पे है। तो अगर आपको ये बाइक देखनी है या फिर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्राइस पता करना है, कुछ भी बैठ के देखना है या कुछ भी है, तो वो आप इनसे बात कर सकते हो यहाँ पे आके पैसिफिक मॉल द्वारका सेक्टर 21 में। तो एक बार फिर देखा रहता हूँ इसका वॉक अराउंड में। सही में यार मैं भी एक बार इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि पसंद आ रही है बाइक, तो सही में जो मतलब आई कैची इसकी लुक आ रही है ना यार। अपनी सेकेंड बाइक है ये जोनटेस GK 350, ये थोड़ी कैफी रेसर स्टाइल में है। एंड इसकी स्पेसिफिकेशन ये रही, ट्विन सिलेंडर BOS। अच्छा ये ट्विन सिलेंडर है, 348 cc, 38 PS ऑफ पावर एंड 32 का टॉर्क, मतलब इंजन तो इनमें सेम ही है, एंड 6-speed ऑफ गियरबॉक्स है। हाँ बाकी ठीक है, इसका भी रियर जो अपना टायर है वो 160 है, पर इसका फ्रंट 120 है, उसका फ्रंट 110 था। तो देखो यार इसका टायर पीछे का 160 का मिलता है और इसमें आते स्पोक व्हील्स, पर यार इनकी जो लुक देखो एक बार स्पोक व्हील्स की, इतनी बढ़िया लुक इसकी आ रही है। और टायर की कंपनी तो मेरे को नहीं पता ऑनेस्टली, पर यार इसकी जो स्पोक व्हील्स की लुक है ना वो बहुत बढ़िया आ रही है, और प्रॉपर कैफे रेसर ही लग रही है। दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा बल्कि है दिखने में और बहुत बढ़िया लग रही है यार लुक में, मतलब जोनटेस ने काम तो बढ़िया करा, आई कैची बहुत ज़्यादा बाइक है। अगर इसको लेके निकलोगे ना तो 100% आपको आने रिएक्शन इसके आने, ये प्रॉपर एक हेड टर्नर बाइक है। तो चलो इसकी प्राइस की बात करते हैं। भैया इसका क्या पड़ता है ऑन रोड दिल्ली में? पड़ेगा 4,35,000। तो यार ये पड़ती है दिल्ली में 433,000 की, 433,000 की ऑन रोड दिल्ली। देखो इसकी फ्रंट हेडलाइट इसकी कितनी बढ़िया लग रही है, अभी भैया से कहते हैं कि चाबी इसकी लेते हैं। ये प्रॉपरली कीलेस बाइक है, तो एक बार दिखाता हूँ कि कैसे क्या है इसका। देखो यार ये इसकी की है, मतलब काफ़ी डिफरेंट है ये की, मतलब ब्लूटूथ ईयरफोन जैसी लग रही है। वो कैसे होगी भैया
अच्छा ये इसको डिटेक्ट कर लेती है नियर बाय से ही, और भाई कॉकपिट भी देखो कितना बढ़िया रहा है इसका, बहुत ह्यूज लग रही है, मतलब जो बैनिले टी आर के आती है ना इस रेंज में वो उस लेवल की बाइक लग रही है साइज में। इसका वाइजर का कौन सा था जो इसका वाइजर होता ना ऊपर नीचे, अगर इसका वाइजर एडजस्टेबल हो इस रेंज में, मेरे को लगता नहीं है कि किसी बाइक में भी एडजस्टेबल वाइजर मिलता है आपको, तो ये देखो तो ये देखो इसका वाइजर एडजस्टेबल है, मतलब विंड ब्लास्ट के हिसाब से आप कर सकते हो, और ये फ्यूल वगैरह का है, वाह भाई मतलब फुली कीलेस बाइक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स देखो भर भर के है इसमें, ठीक है, और लॉक करने के लिए है ना, इसको होल्ड कर लेते हैं, तो ये लॉक हो गई, तो फुली कीलेस बाइक है, सेंसर से डिटेक्ट होती है, और ये पूरी बटन से है। तो यार बात करते हैं इसकी जोन टेस्ट GK350, और ये डिटेक्ट तो कर लिया होगा इसने अब तक, तो इसको रखते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं अनलॉक। तो बाइक हो चुके हैं लोग इसका, ये देखो कि एनिमेशन कितना बढ़िया है इसका, ये यार अपने कैफेरा से थोड़ी स्टाइल में है, तो इसकी भी मतलब डिफरेंट लुक है, और इसी से फ्रंट लुक मैं दिखाता हूँ आपको, अगर DRL ऑन हो गए होंगे तो, हाँ हो गए तो भाई फ्रंट लुक देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है, मतलब लोग इसके मॉडिफिकेशन कराते हैं, और ये इसको बाइक कंपनी आपको दे रही है वो कितनी बढ़िया ये लग रही है, जोन टेस्ट आगे लिखा हुआ है ये लोगों, और कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब क्लासी इसकी लुक लग रही है फ्रंट से, हेडलाइट की इसकी देखो कितनी ह्यूज लग रही है फ्रंट से, सही में दिल जीत लिया इस बाइक ने। और ये देखो इसकी मतलब सब कुछ डिफरेंट लग रहा है इसकी, कि बैक लिट कितनी अलग है, अपनी तो KTM में इनमें होता है, और मोस्टली बाइक जो मैंने देखे R15 वगैरह इनमें ही होता है बैक लिट, और इसका कितना मतलब डिफरेंट है, और ये काफ़ी मतलब कूल लगेगा रात में जब अंधेरे में इसको देखेंगे। थोड़ा सा एग्जॉस्ट नॉइज़ सुनते हैं इसका, चलो तो ये ट्विन सिलेंडर में आती है और इसकी आवाज़ बहुत बेसी आ रही है। यार एक चीज़ रह गई थी कि इसकी सीट हाइट कितनी है, और मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ कि मेरे को मतलब पैर मेरे कितने आ रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से ये बाइक है कि नहीं है। मेरी हाइट 6 फीट है, और अभी आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी ये बाइक कैसे आ रही है। यार बाइक लग रही है बहुत ज़्यादा गजब, और किसी को अगर ये लेनी है या कोई लेने की सोच रहा है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको शोरूम का एड्रेस या फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ये दे सके कि क्या लोन फैसिलिटीज़ क्या होती है ऑन रोड प्रॉपर, इसका मतलब किसी और सिटी का पूछना है क्या है, और लोन फैसिलिटी का कौन से बैंक से होगा, कितने परसेंट पे होगा, सब कुछ आप इनसे पूछ सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं आपको रिप्लाई मैं आपको एड्रेस वगैरह मैं इसका दे दूंगा शोरूम का। सही में यार बहुत आई कैच इसकी लुक आ रही है, तो अभी जल्दी से एक आधा फोटो शूट करते हैं बाइक के साथ, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चलते हैं फिर अपने घर, और कोई फर्दर डिटेल के बारे में आपको पूछना हो तो आप ज़रूर पूछना, मैं कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की तो मैं दोबारा भी आ जाऊँगा, मेरे घर के तो बहुत पास में ही है, तो चलो यार अब चलते हैं थोड़ी आगे और एक आधी फ़ोटो खींच के चलते हैं। भाई डेकोरेशन देखो ये क्रिसमस की कितनी बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है, ये रेड जो ऊपर टांगा रखा है हैंगिंग बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब इस व्यू से देखो इससे पर्सपेक्टिव व्यू से कितने बढ़िया लग रहे हैं, और यार बुक काफ़ी लग रही थी तो मैंने लिया है ये कैमेटर्स का हेजलनट चोको हेजलनट शेक, और नॉर्मल किस पीवेज क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना नहीं था, घर जाके खाना ही मम्मी ने खाना बना रखा है, बाकी पैक करा लिया उन लोगों के लिए मैंने, जल्दी से खा के मैं घर निकलता हूँ और व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय सबको, टेक केयर।